हेलो गाइस, नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग भी शुरू हो चुका है। और स्वागत करती हूँ मैं शोभा धर्मवाल देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ से। और ये देखिए सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरे मायके से सूर्योदय का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। बहुत ही शानदार नज़ारा है, सूर्योदय का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सुबह सुबह काफ़ी ओस हो रही है और मेरे मम्मी पापा यहाँ काम में लगे हुए हैं गाय बच्चों के। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कुट्टी मशीन से हमारे यहाँ कुट्टी काट के गाय को घास दी जाती है। बहुत ही अच्छे से घास दी जाती है, घास का बर्बाद भी नहीं होता। और मेरे मायके में भी काफ़ी जानवर हैं, जानवरों की यहाँ भी कमी नहीं है। ये देखिए ये मेरे बाबू हैं, गाय बच्चों का ज़्यादा काम मेरे बाबू ही करते हैं। तब खल में गंजी खोपड़ी दिखे देनी बाबू। भाभी भाभी लागी है मेरे लिए चाय और मेरे आज ठाट हो रहे मायके में। अभी उठ रही हूँ मैं, एक गुड़ वाली चाय, पहाड़ियों की स्पेशल होती है। तो अभी मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है तो मैं अब जा रही हूँ अपने नीचे चाची के वहाँ, चाची से मिलने। और ये है चाची लोगों का घर। ये ना चाची लोगों ने मकान बनाने के लिए ईंटें रखी हुई हैं। हेलो टप्पू भाई। हेलो जी, ठीक हो चाची? क्या करने से चाची, चाची क्या चल रहा? हो यार चाची बोला, और तो ठीक है ना ली? और यहाँ खेतों में खाद के कट्टे भरे हुए हैं, ये गोबर के खाद के, ये शायद नेपाली लोग सार रहे हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं यहाँ के लोग। होय होय, अभी मैं भावना लोगों के वहाँ आई हूँ, अपनी दोस्त भावना के घर में आई हूँ। ये भावना लोगों का किचन है, बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने किचन। मेरी बचपन की दोस्त भावना है ना, उनके घर में आई हूँ मैं आज। ये भावना की मम्मी, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, बिल्कुल इनका घर का लुक होम स्टे की तरह दिख रहा है। इनके घर के कमरे दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। ये इनका बैठक है वाना लोगों का। और यहाँ ऐपण की डिज़ाइन भी लगा के रखी हुई हैं, काफ़ी सुंदर लग रही है। अरे कमरा यहाँ पे है, काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने। एक रूम यहाँ भी है, यहाँ की लाइट कहाँ से खुलेगी? और ये है इनके छत में जाने का, यहाँ भी बहुत अच्छा बना रखा है। यहाँ भी चारों तरफ का व्यू बहुत शानदार दिख रहा है।
वाओ। और यहाँ पर बैठने का काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर हमारा ये मायके का देवी मंदिर है। ये यहाँ घास वास रखने की के लिए बना रखा है, कभी बरसात और साथ में घास भीग गई कहीं नहीं करके। अच्छा चार लोगों ने यहाँ घास रखी है। चले जी, अब हमारे जाने की तैयारी हो गई है, फिर जाने और अब हम जा रहे हैं पलक दिन जाऊंगी फिर मैं बैठा हूँ जब तो फोन कर लो। हाँ तो मम्मी पहुँचाने आ रही मेरे को, मम्मी को पलक जिजक बाद में होगा। इधर को तो देख मम्मी घर से ले जा रही जी। ये हमारी रेखा भाभी वहाँ से आ रही है खेत से। ये रेखा भाभी हमारी, इधर आजा। बाय रेखा भाभी। ये यहाँ पर आपको एक नाली जैसी दिख रही होगी। ये नाली जो है पानी की पाइपलाइन खुद रही है। यहाँ घर घर जल घर घर नल करके योजना आई है सरकारी, तो ये वहाँ के लिए पाइपलाइन खोद रखी है। सभी गांव में है ये, हमारे गांव में भी और यहाँ मायके के गांव में भी ये पाइपलाइन दिख रही है। सभी जगह खोद रखी। और ये है रीठा पोखरा का रामलीला ग्राउंड। यहाँ पे ऐसे ही मैं बस में बैठूंगी और शायद मेरी बस भी आने वाली होगी अभी, तो मैं बस के इंतज़ार में रोड में खड़ी हूँ। यहाँ से मुक्तेश्वर का नज़ारा काफ़ी शानदार लग रहा है। ये है मुक्तेश्वर, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से शीतला होते हुए। शीतला का पल्ला रामगढ़ स्टेशन आ चुका है। मुझे पता था ना तो आएगा। और अभी हम आ गए हैं मायके से, आ गई हूँ मैं, यहाँ पर रोड में उतर गई हूँ। चेतन लोग भी आ गए स्कूल से, भी एक साथ ही आए हम गाड़ी में सब लोग। मैं नहीं आ रहा क्या? चलो एक घंटे का टाइम लगा हमको वहाँ से आने में। कितने बजे? ढाई बजे। ढाई बजे वहाँ से बस चली और 3:30 बजे यहाँ पहुँच गई ना। एक घंटे में मेरे मायके का रास्ता 1 घंटे का है।
चट से जाओ, फट से आ जाओ।